अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मत करो मुझसे दोस्ती। तो रहने दो फिर। ओके सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो गाइस, आपको पता ही होगा ये जो डायलॉग है ना, अभी इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग में, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स चलाते हो तो। ओके गाइस, सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके गाइस, सो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले बीटमार एन सर्टिफिकेट को इंपोर्ट कर लेना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके सो अगर आपको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। गाइस, वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या, लाइट मोशन में आ जाना है। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको करना क्या है, बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो गाइस, यहाँ पे जो वीडियो को स्टार्टिंग में तीन इमोजी है, सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये इमोजी रिमूव हो जाता है ना, मतलब अलाइट मोशन का ये नया सिस्टम आया है जैसे कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, तो अगर ये रिमूव हो जाता है ना तो आपको करना क्या, देख लेना यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये गर्ल इमोजी एंड जो बीच में है वो है एंग्री इमोजी एंड जो तीसरा लास्ट है वो है लाफिंग इमोजी। तो ये तीनों इमोजी आपको मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। तो अगर ये इमोजी हट जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये इमोजी वाले लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसे मैंने गर्ल इमोजी वाले पे क्लिक किया, तो आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आप डाउनलोड करोगे मेरे डिस्क्रिप्शन से, तो यहाँ पे गर्ल इमोजी को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ओके, फिर बीच में है एंग्री इमोजी एंड जो फिर लास्ट में लाफिंग इमोजी, तो ये तीनों इमोजी आपको मटेरियल वाले लिंक में मिल जाएगा, अगर रिमूव हो जाता है तो आपको ऐसा करना है। सो गाइस, या तो आप मतलब एक बीटमार प्रोजेक्ट को अगर दो बार इंपोर्ट करते हो बिना डिलीट किए तो वो उसका जो भी चीज़ डिलीट होता है वो मेरे हिसाब से वापस आ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या, जैसे आप इतना कर लोगे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार से स्लाइड करके आपको आगे आ जाना है 5.16 सेकंड पे, और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। सो जैसे मीडिया पे क्लिक करेंगे आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जैसे आप अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको अपनी फोटो को ऐड करना है। ओके सो मैं अपनी फोटो के पास लेता हूँ बिकॉज मेरे को फोटो इधर से ऐड करना है, तो आपको फोटो को ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पले का इधर राइट साइड में, आपको एरो पे एक बार क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटो को ट्रिम कर लेना है, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है। सो गाइस, यही प्रोसेस है हमारा फोटो ऐड करने का, इस प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करते रहना है और लास्ट यहाँ पे जितना ही फोटो ऐड होगा सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। ओके तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे जो आ चुका, मतलब फोटो को ऐड कर लिया हूँ। सो मैं पता नहीं कहाँ पे चला गया था, मतलब बोल जो रहा था, कुछ भी बोल रहा था। सो गाइस, फोटो जैसे ऐड कर लोगे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन कर लेना, जैसे इस पर आपको दिखाई देगा, आपको पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, नीचे में इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है और यहाँ से बैक आना है और बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। जैसे आप बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे आपको आगे स्लाइड करके आगे जाना है और जो पहला फोटो है 5 सेकंड पे, इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इतना कर देंगे आपको फिर आगे जो एक फोटो है इसको छोड़ना है एंड उसके बाद जो फिर फोटो 7 सेकंड पे, इस वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर एक फोटो को छोड़ना है, उसके जो आगे फोटो है यहाँ पे 8.25 सेकंड पे, इसमें आपको पेस्ट कर देना है, फिर एक फोटो को छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करना है। तो यही प्रोसेस है, आपको एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में पेस्ट करते रहना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना दो फोटो लगना चाहिए लेकिन एक ही है तो क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, आपको एक फोटो को छोड़ छोड़ के एक फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करते रहना है, जिस प्रकार से मैंने किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक फोटो को छोड़ा और एक फोटो में पेस्ट किया, इसमें पेस्ट किया इसको छोड़ दिया, फिर इसमें पेस्ट किया इसको छोड़ दिया। सो इसी प्रकार से आपको करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिर यहाँ से आपको बैक करना है, सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन करना है और जो सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक करना है, बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अब जैसे आप बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे आपको स्लाइड करके आगे चले आना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको करना क्या है, ये जो 6 सेकंड पे पहला फोटो है इस पर आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके, जो मतलब जो भी फोटो को आपने छोड़ा था सिंपली उस वाले फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट करते जाएंगे। ओके तो इस प्रकार से मैंने पेस्ट कर दिया इधर,
एंड इधर एक फ़ोटो बचा हुआ है, इसमें भी मैं फ्रेंड को पेस्ट कर लेता हूँ, और सबसे लास्ट में एक फ़ोटो है इसमें भी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ सबको बैक आना है और से कि फिर प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी थ्री लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको शुरू में इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, डब्बे वाले आइकन पे, एंड पेस्ट थ्री लेयर कर देना है। फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर का तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। अब जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।